सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक हैं। और अल्लाह से बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके घरों में बहुत सी खुशियाँ खैर बरकत दे। और आज है रमज़ान, आखिरी रमज़ान, और बहुत ही दुख हो रहा है कि रमज़ान जा रहे हैं, अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों का महीना जा रहा है, लेकिन दिल में खुशी भी है कि अल्लाह पाक ईद सब की खुशियों भरी हो, मुरादों अल्लाह पाक जो जो मुरादें अल्लाह पाक अधूरी रह गई हों अल्लाह पाक सब पूरी करें और आपके घरों में बहुत सी खुशियां दें, आपकी झोलियां खुशियों से भर दें, आमीन सुमा आमीन। और आज जो रूटीन रहेगा इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज की रमज़ान की आखिरी रमज़ान की इफ्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से रमज़ान गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। और बड़े एक्साइटेड थे कि जल्दी से नमाज़ पढ़ के फिर चलें छत पे चांद देखने के लिए। और आप लोगों को ईद का चांद बहुत 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 मुबारक हो। थोड़ा सा वीडियो हमारा लेट हो गया क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं और उसमें वीडियो अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आगे से कोशिश करेंगे कि बिल्कुल टाइम से वीडियो डालें। और चांद देख करके इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि बस दिल से यही निकलता है कि अल्लाह पाक साथ दुनिया में जितने लोग हैं सारे लोगों की दुआएं कबूल करें, उनके घरों में बहुत सी खुशियां दे, खैर व बरकत दे, अल्लाह पाक बच्चों को नेक रास्ता दिखाए, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और फिर चांद रात की होने लगी तैयारियां, तो सबसे पहले होता है कि मेवा जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो बस ये होता है कि जल्दी से मेवा कट हो जाए क्योंकि उसी में ज़्यादा टाइम लगता है। और ये होता है कि अच्छे से काट के साफ करके उसको रख लिया जाए। तो हम और हमारी सिस्टर दोनों बस इसी में लग गए, ईशा की नमाज़ पढ़ी और बस उसको भिगो दिया था, और भिगोने के बाद साफ़ करके कट करके हम लोगों ने रख लिया था। और जब ईद आती है तो मेरा किचन बिल्कुल बाहर हो जाता है आंगन में, इसलिए कि खड़े होके इतनी देर तक के काम करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी चीज़ों की तैयारी करना रहती है ईद में। तो इसलिए बेटियां मेरी कहती हैं कि मम्मा आप बैठ के बाहर ही बनाइए, जो चीज़ की आपको ज़रूरत होगी वो हम आपको देते रहेंगे। तो बस इस तरह से हमने निकाल लिया अपना चूल्हा बाहर और बाहर बैठ के आराम से सारी चीज़ों की तैयारियां कर ली इस तरह से। और बस सिवाय की वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर जा करके देखें। और हम इधर पका रहे थे खाना अपना, सारे खाने की हम तैयारियां कर रहे थे और मेरी बेटियां घर की सफाई में लगी हुई थी। अच्छा, जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है, हमें लगता है कि आधे से ज़्यादा काम तो वही हैंडल कर लेती हैं क्योंकि साफ़ सफाई का काम हो, अरेंजमेंट का काम हो, तो ये सब तो वो हम लोगों से अच्छा हमें लगता है कर लेती हैं। क्योंकि फिर जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो हमें लगता है कि माँ लोग का काम बस किचन का रहता है कि किचन में देखना है क्या पकना है क्या नहीं पकना है, इस तरह के काम रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां सारा काम ये हैंडल कर लेती हैं, रोज़ में थोड़ा कम टाइम दे पाती हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है इस तरह का तो बहुत हेल्प हो जाती है मेरी। तो इसका लाख लाख अल्लाह का शुक्र एहसान है मालिक का बहुत बहुत। और हमें तैयारियां बहुत सी करना थी और इस तरह से, और हमने सोचा था कि आपको ईद का भी इंशाल्लाह थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन हम व्लॉग ज़रूर डालेंगे ईद का, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे अपनी ईद की तैयारियों को। और इस तरह से हमने आहद का और आहद के अब्बा का कपड़ा प्रेस करके रख दिया था ताकि कोई दिक्कत ना हो सुबह, क्योंकि नमाज़ बहुत जल्दी होना थी इसलिए कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से ये देखिए हमारी बेटियों की तैयारियां थी कि अच्छा जब त्यौहार हो तो कोशिश किया करिए कि फ्रेश से फूलों को ज़रूर घर में
किसी तरह भी अरेंज किया करिए, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है और घर में बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा आता है, लगता है बिल्कुल फ्रेश सा लगता है। तो इसलिए जो है इस तरह से हमारे घर की हुई तैयारियाँ, और रात में तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि बच्चों को नींद ही नहीं आती है, चांद रात वाले दिन नींद नहीं आती बिल्कुल भी। और ये होता है कि मम्मा बस लाइए ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, तो यही रहता है पूरी रात। और एक्साइटमेंट ये भी रहती है कि सुबह ईद है, अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनेंगे। तो इस तरह से सारा हमारा घर बिल्कुल क्लीन हो गया था। क्लीन तो वैसे भी रहता है, लेकिन ईद की बात ही बिल्कुल अलग होती है। और इस तरह से पूरा हॉल भी मेरा साफ हो गया था, ऊपर सब तरफ क्लीन। और आज मेरे इतने ज़्यादा थके हुए थे, इतने ज़्यादा थके हुए थे कि वो नीचे हम काम कर रहे थे तो वो नीचे ही लेट के सो गए। तो हमने उनको उठाया भी नहीं, हमने कहा सोने दें इनको, इसलिए कि सुबह इनको फिर उठना है फजर में नमाज के लिए। और इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि शफ़दर भी हम जागें, नमाज भी फजर में हम पढ़ने जाएं। तो इसलिए हमने कहा कि इनको मत उठाएं हम। और सारी चीज़ें की हो गई थी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ। और हमारी सिस्टर पढ़ रही थी कुरान शरीफ इस तरह से, और बस सारा सब क्लीन हो गया था इस तरह से सारा घर। और बस यही चांद रात की यही ज़्यादा तैयारियाँ यही होती हैं कि एक तरफ हमारा खाना पकता है और एक तरफ हमारी बेटियों की सारी तैयारियाँ होती हैं। कपड़े हम पहले से ही अरेंज करके रख देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो उनकी एक्सेसरीज होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो भी वो पहले से अरेंज करके सिर्फ उनको बताना रहता है, गाइडेंस करना रहता है कि इस तरह से ये रख लो, इस तरह से ये रख लो, ताकि सुबह कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो बस इस तरह से मेरी सारी तैयारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। और आप लोग भी हमें बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों ने चांद रात में क्या क्या तैयारियाँ की, आप लोगों की तैयारी कैसी रही। तो आप लोग ज़रूर हमको कमेंट्स करके बताइएगा। और जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं तो बहुत खुशी होती है हमें कि जो है जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं बहुत खुशी होती है इस बात की कि हमें आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से थी तैयारियाँ। और हमें लगता है कि सभी के घरों में बहुत अच्छा लगता है रात में, चांद रात में तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो ईद की खुशी रात ही से नज़र आने लगती है, वो रौनक रात ही से नज़र आने लगती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, सब क्लीन साफ़ सुथरा बिल्कुल। और ये भी बताइएगा कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमें व्लॉग बनाने में, लेकिन अगर आपको पसंद आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे हम कि उसको हम कंटिन्यू करें। और इस तरह से मेरे सारे काम हो चुके थे, मेरा खाना भी पक चुका था, बस बिल्कुल फजर का टाइम हो रहा था कि नमाज़ पढ़ने का, और कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब नमाज़ पढ़ेंगे फिर ईद की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से
तैयारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई थी। और ये था मेरा यहाँ तक का चांद रात का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अपनी सी खूबसूरत सी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बस अल्लाह से हम भी बहुत दुआ करते हैं कि आप लोग भी हमेशा खुश रहें, आप लोगों के घरों में बहुत सी खुशियाँ हों और खैर व बरकत हो। और अल्लाह हाफिज़।